राजस्थान के निजी लैब और अस्पतालों में अब केवल 350 रुपए में आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। यह टेस्ट देश के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में सबसे कम है। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा करते हुए आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही सीएम गहलोत ने आरटीपीसीआर टेस्ट में हो रही देरी को गंभीर माना है। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना को लेकर शुरू से ही संवेदनशील हैं और वो किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रहे इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में सीएम गहलोत ने निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों में कोरोना के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की दर 500 से घटाकर 350 रुपए करने के निर्देश दे दिए हैं, जो देश में सबसे कम होगी। खास तौर पर पड़ोसी राज्यों की तुलना में तो यहाँ सबसे कम रेट है। सीएम गहलोत ने राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की और सभी जिलों में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए मानचित्र पर रूट चार्ट बनाने के निर्देश दिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सभी जगहों पर जल्द से जल्द मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। सीएम ने कहा कि हमारे लिए हर व्यक्ति की जान कीमती है और उसे बचाने के लिए हर कोशिश की जाएगी। आरटीपीसीआर जांचों की रिपोर्ट में हो रही देरी को सीएम गहलोत ने गंभीरता से लिया। उन्होंने इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराने और अनियमितता करने वाली लैब और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस के लिए आरटीपीसीआर जांच की कीमत घटने का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था। इस क्रम में हरियाणा सरकार राजस्थान के बाद आती है। यहाँ कोरोना वायरस के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट घटाकर 499 रुपए किया गया है, तो दिल्ली सरकार ने इस टेस्ट का रेट कम करते हुए 800 रुपए किया, जबकि एमपी में इस टेस्ट का सरकारी रेट 700 रुपए है। यूपी में टेस्ट की दरें 700 रुपए है, तो गुजरात में ये रेट 800 रुपए है। इस टेस्ट की दरें कम करने का मकसद जनता को जल्दी से जल्दी जांच मुहैया करवाना है। इससे वायरस से संक्रमित व्यक्ति का इलाज जल्द शुरू हो सके और वो जल्द ही निरोगी और सुखद जीवन जी सके। आरटीपीसीआर टेस्ट यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट है। इससे व्यक्ति के शरीर में वायरस का पता लगाया जाता है और वायरस के आरएनए की जांच की जाती है। दूसरी ओर कोरोना की नई लहर में राजस्थान में भी संक्रमण अधिक फैला है, लेकिन सीएम गहलोत की निगरानी और उनकी जागरूकता से जनहित में कई फैसले किए जा रहे हैं, जो राज्य की जनता को निरोगी रखने में नजीर बन रहे हैं। A1 TV के लिए जयपुर से दिनेश सविता की खास रिपोर्ट।